हेलो फ्रेंड्स, ये है जिगीडा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का सेट डी क्वेश्चन पेपर विद आंसर की और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जहाँ भी ज़रूरी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक प्रेशर गाज, ठीक है, दो डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट रीडिंग दे रहा था, तो उन डिफरेंट हाइट्स के बीच में हमें प्रेशर डिफरेंस पता चल गया 80 में से 57.4, और प्रेशर डिफरेंस डिफरेंट हाइट्स में फ्लूड में क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच। इन दोनों को इक्वेट करो, रफली कैलकुलेट करो तो 750 आ रहा था, उसका नियरेस्ट ऑप्शन अगर आप कैलकुलेटर पर करोगे एग्जैक्ट 768 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों लिस्ट को मैच करना है, तो रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, जो फ्लो इन क्लोज कंड्यूट्स, मैच नंबर हाई स्पीड फ्लो पे होता है, हमारी हाई स्पीड मिसाइल्स की स्पीड मैच नंबर में देते हैं, और वेबर नंबर जो है वो रिलेटेड होता है विद फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो ये तीन पता थे तो फोर्थ से काम चल जाएगा। ए पार्ट इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट नहीं है, तो मॉडल्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन प्रोटोटाइप। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, मॉडल प्रोटोटाइप से बड़ा भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों के मॉडल उनसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट लिक्विड सरफेसेस दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे आंसर तो मार्क किया, आंसर डी है। एज एन एक्सप्लेनेशन आप इतना याद रख सकते हैं, जब कोई सिलेंडर रोटेट करता है तो उसके अंदर जो वाटर की सरफेस होती है उसे पैराबोलाइड कहते हैं, जैसे पैराबोला होता है वैसी सरफेस होती है 3D में, और जब कोई लीनियरली मूव करेगा तो उसके पीछे वाटर की सरफेस इंक्लाइंड हो जाती है, ठीक है, उसकी इंक्लिनेशन भी ए बाय जी, एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी। और जब हम लिफ्ट में जैसे ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तो हम हैवी फील करते हैं और जब नीचे आते हैं तो लाइट फील करते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन थे। वाटर में, वाटर जब किसी कंटेनर में है जो अपवर्ड एक्सेलरेशन हो में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो वो लाइट हो जाता है, जी माइनस ए, उस पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाती है, तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है। और जब कोई बॉडी स्टिल वाटर से मूव करती है उसके दो पॉइंट्स पे वेलोसिटी दी थी और प्रेशर हेड एक पॉइंट पे दिया था, दूसरे पॉइंट पे निकालना था। अब सिंपल सी इक्वेशन है, P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वेयर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वेयर बाई 2G। अब इसमें या तो क्वेश्चन में एरर है या फिर मेरे सोल्यूशन में कहीं पर एरर आ रहा है। मेरा आंसर 1125/2 आ रहा है, उसका क्लोजेस्ट 1125 ही, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ मेरे से हो रही है, 1125 ही मैंने आंसर लगाया, ये मेरा ही पेपर है, तो मैं मानता हूँ कि 1125 ही हो सकता है। नेक्स्ट, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ठीक है, उस पर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना था, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपको आता है वाई पी इज इक्वल टू वाई सी प्लस आई सी बाय ए वाई स्क्वेयर, ए वाई सी का स्क्वेयर, ठीक है, वाई सी क्या होता है उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है, ठीक है, ये बेस से 1/3 हाइट पर, यानी कि वाई सी हो जाएगा 1 मीटर, आई सी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड के बोर्ड, ये आई सेंट्रॉइड के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BH³/36, बी है 3 मीटर हाइट, बी है 3 मीटर, ये सारी वैल्यू पुट करो तो 1.5 मीटर निकल जाएगा, 1.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नॉच में अगर हेड के मेजरमेंट में 1% का एरर है तो डिस्चार्ज मेजरमेंट में कितना होगा, तो डिस्चार्ज और की इक्वेशन हेड के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, H^5/2 के डिपेंडेंट है, तो आपको ये तो 11th-12th का क्वेश्चन है कि अगर हेड में 1% एरर होगा तो जितनी उसकी पावर होती है उससे मल्टीप्लाई करो तो वो डिस्चार्ज में एरर होता है, 1% को इसकी पावर यानी कि 5/2 यानी 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5% इसका डी पार्ट आंसर है 7th क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आप स्टेटमेंट्स पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट वाली स्टेटमेंट में लिखा है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन ओपन चैनल की हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, देखो उसका नाम ही है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, एनर्जी जैसे जैसे लेंथ के साथ चेंज हो रही है, कम हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, हेड लॉस, तो फोर्थ वाली तो गलत है, और तीन ऑप्शन में फोर्थ सही दी है, तो 1, 2, 3 करेक्ट है, ठीक है, इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है सही के बजाय और सही पता चल जाएंगे, ठीक है। कैचमेंट एरिया दिया हुआ है, रेनफॉल की इंटेंसिटी दी हुई है, रन ऑफ कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, इस इंटेंसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो, मीटर क्यूब पर सेकंड में टोटल रेनफॉल मिल जाएगी, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करो, 0.4 × 3/100/3600 × 16×10⁴, 2 m³/s आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आवर का सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ, ठीक है, सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ का टॉपिक अक्सर हमने नहीं पढ़ा होता है, अगर आप नहीं पढ़ा तो जो लैग टाइम है, ऐसा माना जाता है कि जितनी रेनफॉल की ड्यूरेशन है उसके सेंटर से जो लैग टाइम प्लस करोगे तब पीक होगी, ठीक है, यानी कि 4 आवर की रेनफॉल थी तो उसका सेंटर 2 आवर पे होगा, 2 आवर + 40, 42 आवर इसका आंसर है, ठीक है। एक ब्रिज है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 50 ईयर, और उसको डिज़ाइन करना है एक फ्लड के लिए जो 100 साल में एक बार आती है, 100 साल में एक बार मतलब उसका पी हो जाएगा 1/100, और उसका क्यू उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी साल में 1 - 1/100 यानी 99/100.99,
किसी एक साल में उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.99, लगातार 50 साल तक उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.99 की पावर 50, और 50 साल में एक या एक से ज़्यादा बार आ जाने की प्रोबेबिलिटी 1 में से इसको माइनस कर दो। ए पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। रिस्क का सीधे फॉर्मूला भी होता है, 1 माइनस Q की पावर n बोलो या 1 माइनस P की पावर n बोलो, P क्या है, 1/100। अर्थक्वेक एक्सेलरेशन का क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ए पार्ट नहीं, सी पार्ट, डी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम, ठीक है। हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम तो सिंपल समझ में आता था, वर्टिकल में मैं कन्फ्यूज़ हो गया। हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम यानी कि जब एक्सेलरेशन डाउनस्ट्रीम होगी, वाटर की थर्स्ट के साथ अर्थक्वेक का फोर्स भी ऐड हो जाएगा डैम पे। और वर्टिकली डाउनवर्ड के केस में क्या होगा, जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी, अभी हमने वाटर वाले केस में लिफ्ट की एग्जांपल मैंने आपको दी, जब लिफ्ट में हम नीचे आते हैं तो हम लाइट फील करते हैं, उससे क्या होगा, डैम लाइट हो जाएगा, उसका इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, और अगर इफेक्टिव वेट कम हो गया तो पीछे वाला पानी उसे बहा के ले जाएगा, तो इस वजह से डी पार्ट इसका आंसर है। फिर वाटरबोर्न मैकेडम और वेट मिक्स मैकेडम, ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन इन्होंने उल्टा किया हुआ था, वेट मिक्स मैकेडम जो है वो मॉडर्न है और वाटरबोर्न मैकेडम वो ट्रेडिशनल था, तो थर्ड गलत था, पहले दोनों सही थे, ठीक है। वेट मिक्स मैकेडम प्लांट में मिक्स तैयार होता है, मुझे तो खैर नहीं पता था, आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो सिंपल है, मैंने मैच किए हुए हैं, आप देख लो कौन सा बिटुमन कहाँ यूज़ होता है। फिर बिटुमन में से एग्रीगेट्स, बिटुमन पेमेंट में से एग्रीगेट को निकलना, गड्ढा हो जाना, उसी को हम पॉट होल कहते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट ब्रॉडगाज में इन जनरल 1 in 150 है, 4% के कर्व पे कितना हो ग्रेडियंट होगा, तो कर्व पे हमें कर्व कंपनसेशन देनी पड़ती है, कितनी कर्व कंपनसेशन होती है ब्रॉडगाज में, 0.04% मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कर्व, तो वो 0.04 को 4 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, उसको इस 1/डिवाइड वाली फॉर्म में ला कर 1/150 में से माइनस करो, अप्रॉक्सीमेटली आपको 1/200 आ रहा था मेरे, मुझे बिना कैलकुलेटर के, तो 1 in 196 आंसर है। नेक्स्ट ये टनलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। फुल फेस एक्सकवेशन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, फुल फेस हम वही करते हैं जहाँ पे हमारा मटेरियल स्ट्रांग होता है, हेडिंग बेंचिंग वहाँ करते हैं जहाँ हमारा मटेरियल वीक होता है, थर्ड ऑप्शन गलत है, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर।